नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे नर्सरी विजिट का वीडियो शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, आप सर्दियों में कौन कौन से प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो? अभी अगस्त का महीना ख़त्म होते आ रहा है और अभी सितंबर अक्टूबर में अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप किन किन प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, तो वही इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए जरबेरा कितने अच्छे इसमें ये कलर्स है, और यहाँ पर इनके यहाँ पर सकुलेंट और जो बाकी जो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स भी काफ़ी सारे, उन प्लांट्स का भी अच्छा कलेक्शन है। और ज़्यादा तो बड़ी नर्सरी नहीं है इनकी, थोड़ी छोटी सी है। और देखिए नींबू की ये प्लांट, इसमें छोटे से ही प्लांट में कितने अच्छे से इसमें नींबू लगे हैं, और ये 100 रुपीज़ का है। और ये देखिए इंग्लिश गुलाब, ये बड़े वाले, ये 150 के हैं, और ये सर्दियों का राजा इसे बोला जाता है, गुलाब को। तो गुलाब के ढेर सारे पौधे इनके पास आ चुके हैं। और ये देखिए कृष्ण कमल, इनके पास ब्लू और रेड दोनों कलर हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये फर्न का, और ये देखिए यहाँ पर इनके पास में हिबिस्कस के भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, और ये बोगनविला भी, और इंडोर आउटडोर जो क्रोटॉन है। और ये देखिए एक और ये नींबू का प्लांट, और इनके पास में अरेका पाम का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। अरेका पाम इनके पास बहुत ज़्यादा रखे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट वाले गुलाब, ये बेल वाले गुलाब है। और ये देखिए नींबू का, इसमें कितने अच्छे से नींबू आ रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीजनल वाले ही प्लांट्स, इसमें ये देखिए जीनिया, और इधर ये कॉक्सकॉम भी है, और सेलोसिया, सारे ही कलर्स है इसमें। और इधर ये डायंथस भी रखे हैं, एस्टर के भी पौधे, और ये सारे ही 20-20 रुपीज़ के हैं ये। और ये देखिए गेंदा भी है यहाँ पर, और ये टेरोनिया जो टोरोनिया बोलते हैं, और ये देखिए लिली का, एमरलस लिली का भी है। और ये सारे प्लांट्स जो है 20-25 ऐसे हैं। और ये देखिए स्पाइडर लिली का प्लांट भी, इसमें फ्लावर्स भी अभी खिल रहे हैं। और गुलाब तो बहुत ही बढ़िया है इनके पास में, सारी ही वेराइटीज़ के। और इनके पास में कश्मीरी गुलाब 60-60 रुपीज़ के है, और इंग्लिश गुलाब 150-120 ऐसे रेंज में है इनके पास में। और बहुत ही बढ़िया नर्सरी है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और इनके पास में इंडोर आउटडोर प्लांट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। इनके पास में देखिए चीनी गुलाब, और ये पर्शियन शील्ड के, और इधर ये कोलियस के भी इनके पास में प्लांट्स रखे हैं। और ये देखिए नागचंपा, इसमें भी कितने अच्छे से ये फ्लावर्स खिल रहे हैं। और इधर साइड में इनके ये देखिए छोटा सा ये मधुमालती का, और ये मिनी चांदनी, इसमें देखिए कितने अच्छे से फ्लावर्स आ रहे, ये भी इनके पास में 60-60 रुपीज़ के। और ये लिली का प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। और हिबिस्कस के प्लांट इनके पास में 60-60 रुपीज़ के है, और काफ़ी अच्छे हैं। इनके पास में सारे ही कलर्स अवेलेबल हैं, कुछ में फ्लावर्स खिले हैं और कुछ में अभी इनके बर्ड लगी हुई, ये डबल पेटल वाले हैं, और ये देखिए सिंगल में फ्लावर्स खिले हैं। जो डबल पेटल वाले हैं उनमें कलियां बस आई हुई है। और ये देखिए अडेनियम के, ये सिंगल पेटल वाले, इनके पास में अडेनियम ये 100-100 रुपीज़ के हैं। और ये जूनीपर के देखिए, ये वाले ये भी 100 के हैं। और देखिए यहाँ पे ये पिटूनिया के, स्टार पिटूनिया भी, देखिए ये सारे 30-30 के हैं। ये जो जितने भी कलर्स देख रहे हो पिटूनिया के, ये 30 रुपीज़ के हैं। और इधर ये एग्लोनिमा, और ये देखिए ये मॉन्स्टेरा का भी एक प्लांट रखा है, उनके पास में एग्लोनिमा के वो 300 के प्लांट्स हैं। और इधर ये रबर प्लांट, और ये फाइलोडेंड्रॉन, और ये सारे ही जो इंडोर प्लांट्स हैं सारे रखे। और देखिए मिनी अपराजिता का भी, और काफ़ी अच्छे इनके पास में अभी कलेक्शन है। और अभी इनके पास में और भी कई सारे अभी प्लांट्स आने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैम्बू भी इनके पास में बहुत अच्छा है, देखिए। और ये सोन चंपा का प्लांट है, ये उन्होंने मुझे 150 का बताया, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए अरेका पाम के, बहुत ही बढ़िया इनके पास में अरेका पाम के प्लांट्स रखे, और ये सारे ही 120-150 ऐसे ही प्लांट है। और ये देखिए ये उन्होंने मुझे इसका नाम बॉम्बे पाम बताया है, और ये 250 का है। और ये क्रसुला का, ये वाला भी 150 का। और देखिए एंथोरियम का, ये बहुत ज़्यादा महंगा है पर ये काफ़ी बुशी भी है, ये 450 का उन्होंने बताया है, ये वाइट। और ये, और ये ऑर्किड का, ये भी 350 का है, ये वाइट, और यहाँ पे इसमें पर्पल कलर भी है। और देखिए सारे ही यहाँ पर ये इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन है, जितने भी क्रोटॉन है, एग्लोनिमा है, और जो बैम्बू के प्लांट्स है, और जो पाम है, ड्रेसिना है, सारे ही इनके पास में रखे हैं। और सभी की प्राइस 50-60 ऐसे इनकी प्राइसिंग है। ये देखिए
काफ़ी ये इधर घना है और ये इनके ऊपर में शेड लगा हुआ है ये देखिए। और ये फ्रेंड्स ये देखिए ड्रेसिना के भी, और देखिए इन्होंने यहाँ पे फ़ैन भी लगाया है, और देखिए नीचे बीटल लीफ के भी, और इस साइड में भी सारी ये देखिए ये इंडोर प्लांट्स इन्होंने रखे हैं। ये देखिए ये लेडी पाम, और देखिए सारे ही गुलाब इन्होंने ऐसे ही नेट के नीचे रख दी है, और हैंगिंग बास्केट के भी प्लांट्स हैं इनके पास में। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जीजी का प्लांट, ये 200 का है इनके पास में, और ये प्रेयर प्लांट भी और कैलाथिया भी, और इधर ये वरांटा, और ये देखिए फ्रेंड्स ये एक्जोरा के प्लांट्स भी आप अभी ख़रीद के लगा सकते हो, क्योंकि अभी सर्दियों में एक्जोरा भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो इन्हें भी आप सर्दियों में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। और जितने भी हाइब्रिड वाले हिबिस्कस है उन्हें भी आप इस सर्दियों के मौसम में लगा सकते हो, और सर्दियों का राजा तो गुलाब है, गुलाब को तो आप अभी लगाना चाहते हो अपने गार्डन में तो आप अभी ज़रूर लगाइए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही बढ़िया ये फ्लावरिंग करता है और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा वीडियो। तो आप अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में कौन कौन से आप प्लांट्स अपने गार्डन में नर्सरी से लाके लगा सकते हो, तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।